बच्चों, अब हम करेंगे मेंटल मैथ क्लास 8 का नेक्स्ट पार्ट। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। आप उसको भी जाकर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए करना शुरू करते हैं। बच्चों अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के नोटिफिकेशन मिले तब आपको बेल आइकन भी को भी क्लिक कर देना है, ठीक है। अदरवाइज सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इवेलुएट करना है। अब इवेलुएट करना है बच्चों, यहाँ पर 24 की पावर 2 है, यानी 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर होता है बच्चों 576, और यहाँ पर 7 स्क्वायर होता है 49, और यहाँ पर बच्चों 1/2, और यहाँ पर होल क्यूब लिखा हुआ, ये लिख देते हैं। अब 576 इन प्लस 49 तो होगा बच्चों 625, ठीक है, कि पावर 1/2, और यहाँ पर इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 625 को हम लिख सकते हैं बच्चों 25 की पावर 2 में, ठीक है, और यहाँ पर 1/2 आ गया ये, ठीक है, और ये बिग ब्रैकेट बनाकर और बड़ा बिग ब्रैकेट बनाया, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये 2 से 2 हो गया। अब 25 की पावर 3 आ गई, यानी 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 25 का हमें क्यूब निकालना है, तो स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, इसको 25 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाए 25 × 5 = 125, कैरी 12, 25 × 2 = 50, और 12 = 62 का 2 कैरी 6 आ गया बच्चों, 25 × 6 = 150, और 150 + 6 = 156 आ गया। तो दिस इज द आंसर 15625, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है इसको देख लेते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगता है। द फिगर शोज ए क्यूबॉइड विद वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बच्चों क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है। तो वॉल्यूम अगर हम फाइंड आउट करें, यहां पर लिख लेता हूं मैं पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इस तरीके से। बट गिवन वॉल्यूम क्या है बच्चों, यहां पर 1800 है, तो हम इस इक्वेशन को 1800 के इक्वल रख देते हैं, ठीक है। तो 6 × 3 = 18, तो यहाँ पर देखो x प्लस 3 और यहाँ पर आ गया 18, और इक्वल 1800 रख सकते हैं ऐसे। अब बच्चों यहाँ पर 18 क्या है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ब्रैकेट के साथ तो मल्टीप्लाई होगा ना, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। आइए डिवाइड कर देते हैं, x प्लस 3 इक्वल 1800, और इधर आ गया ये, इस तरीके से 18 × 18 यहाँ पर, तो x प्लस 3 इक्वल आ गया कितना, 100 आ गया, ये मैं एक बार लिख लेता हूँ। अब 3 इधर प्लस है, इसको राइट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 100 − 3 इक्वल टू क्या आ गया, 97। तो दिस इज द आंसर, ये x की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 23 देखिए इसका एक ही आंसर होगा, आप रीड कीजिए पहले। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू डिफरेंट वेज एज सम ऑफ टू डिफरेंट क्यूब्स, व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू सच नंबर्स, इसका स्पेशल नेम भी बताना है। अब मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो कि इसका आंसर क्या होगा, तो ये याद रखना है आप, क्योंकि देखो ये देखिए यहाँ पर ये नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये 3 नंबर हैं यहाँ पर, और भी नंबर होंगे, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर ये आता है। अब ये इसका जो कार्ड नाम है हार्डी रामानंजन, ठीक है, तो रामानंजन का नाम ये जो है, ये तो एक इंडियन है, जब इसको इंडिया के अंदर कोई स्कोप नहीं मिला तो ये इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड में इनकी मुलाकात हुई थी हार्डी से, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ था, दोनों के कॉम्बिनेशन में कुछ क्वेश्चन को सोल्व किया गया था, कुछ मतलब इन्वेंशन की गई थी, तो उसे स्मॉलेस्ट नंबर आया था ये, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर ये है, इसको हम टू वे में, यानी जैसा लिखा हुआ है उस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी देखो सम ऑफ क्यूब में 1³ + 12³, एक तो ये हो गया, ठीक है, इसको अगर सोल्व करें तो 1729 आता है, या फिर हम 9³ + 10³ अगर इनको भी सोल्व करें तो भी यही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपके सामने आ चुका है, ठीक है, और नाम क्या होगा, हार्डी रामानंजन, ठीक है, ये तो ये आपने देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 को मैं 24 है
23 को मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। अब 24 भी इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखो यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पर लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर लिखा है बच्चों, अब मैं बताता हूँ। देखो बीच में जीरो होती है, इधर ये राइट हैंड साइड की तरफ होते हैं प्लस के नंबर, इधर होते हैं माइनस के नंबर, ठीक है। अगर ये पूछा जाता फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, वी कैन नॉट फाइंड, हम फाइंड नहीं कर सकते पॉजिटिव को, लेकिन नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं लार्जेस्ट। अब कुछ बच्चों के ध्यान में आएगा, सर लार्जेस्ट तो ये इधर होते जा रहे, जी नहीं ये गलत है। लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, जो जीरो के नियरेस्ट होगा नेगेटिव नंबर, वही लार्जेस्ट नंबर होता है। तो दैट इज द आंसर, आपका क्या बनेगा, -1 इज द आंसर। ये लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर है, ये स्मॉलेस्ट है, तो वी कैन नॉट फाइंड स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, ठीक है, हम स्मॉलेस्ट नहीं फाइंड कर सकते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन लार्जेस्ट फाइंड करना हो तो लार्जेस्ट ये हो गया। अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर फाइंड करना हो तो वो 1 हो गया, लार्जेस्ट हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, नेगेटिव में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए इसमें मेंटल मैथ से ही बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इसको ना थोड़ा सा आधा लिखा है और मैं चाहता हूँ कि ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 25 ये मैंने आधा लिखा था, आधा मैं इसमें से रीड कर लेता हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है। अब क्या कहा, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच, अब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, 392 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 81 शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। दैट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। हमें परफेक्ट क्यूब कब बनाना है, जब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है, वो नंबर कौन सा है कि वो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो परफेक्ट क्यूब बन जाए। आइए अब मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये क्वेश्चन रहा आपका, अब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमने यहाँ पर फैक्टर ले लिया, ये फैक्टर लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 7 × 7, ये 392 के हो गए, 28 के भी लिख लेते हैं, 2 × 2 × 7। अब परफेक्ट क्यूब तो हम फैक्टर से ही फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो 81 के लिख लेते हैं, 3 × 3 × 3 × 3। अब क्यूब फाइंड आउट करने के लिए आपको 3 का ग्रुप बनाना होता है, ठीक है, 7 का भी बन रहा है, ये बन रहा है इधर, और ये 3 का बन गया। अब 2 का तो नहीं बना, अगर यहाँ पर एक 2 और आ जाए तो बन जाएगा ग्रुप, यानी मल्टीप्लाई 2 और कर दें, और यहाँ पर 1 3 बच गया, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई 2 टाइम्स और कर दें इस तरीके से 3 × 3, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा, 3 का भी ग्रुप बन जाएगा और 2 का भी बन जाएगा। तो दैट मीन्स वो नंबर कौन सा होगा, 3 × 3 = 9 × 2 = 18, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 18। अगर 18 से इस पूरे नंबर को, यानी 392 × 28 × 81 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा 18, ठीक है। आइए आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 पर हम पहुँच चुके हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखिए, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 121 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि फेस जो होता है क्यूब का वो स्क्वायर टाइप का होता है, ठीक है, फेस क्या होता है, स्क्वायर टाइप का, तो हमें ये समझो ये एरिया जो है वन फेस का मीन्स स्क्वायर का एरिया है, ठीक है। आइए हम फेस निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ वन फेस, ये साइड ऑफ साइड लिख लेते हैं बच्चों, लेंथ नहीं लिखी, साइड, साइड ऑफ वन फेस, ठीक है। तो यहाँ पर 121 को क्या करें, स्क्वायर रूट निकाल ले तो आ जाता 11 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं जिस तरीके से, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1331, ये आ जाता है सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम को क्यूब में लिखना है, दिस इज द आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, और इफ में गिवन है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ये है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इक्वल होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये
इस फॉर्मूले के इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है इस फॉर्मूले के, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी तो लिखा हुआ हमारे पास, ए माइनस बी नहीं है और ये भी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 20 की पावर 3 माइनस 17 की पावर 3 तो क्या है a माइनस बी, यानी कि 20 माइनस बी, बी क्या है हमारा 17 है, a क्या है 20 है, इस तरीके से। और यहां पर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी ये दिया हुआ है ना, तो ये इक्वल होता है 1029 के। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के 1029। अब माइनस कर दीजिए, 3 आ गया और 1029, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 27 कैरी 2, 3 2 6 और 2 8, 3 0 0 3 1 3, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर आ गया, यानी बी क्यूब माइनस 17 क्यूब का आंसर आ गया 3087, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों प्लस का साइन है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होगा यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है, और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस ए बी, ये होता फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है 13 और बी क्या है 17 है और यहाँ पर वैल्यू गिवन है, यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो देखो अगर हमें इसको लिखना है 13 क्यूब प्लस 17 क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, यानी 13 प्लस 17 लिख सकते हैं ऐसे, फिर लिखा ए स्क्वेयर, तो 13 स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 17 स्क्वेयर माइनस ए बी 13 × 17। लेकिन यहाँ पर इसकी तो वैल्यू गिवन है ना इक्वेशन की, तो इन दोनों को ऐड किया तो आ गया बच्चों 30 और इंटू यहाँ पर इसकी जगह हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे 237, इस तरीके से। आइए जीरो है तो 10 लगा लीजिए, 3 7 21 कैरी 2, 3 3 9 और 2 11 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, तो आपको पूरा क्यूब निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये 7 है, 7 की पावर क्या है 3 है, और 7 का क्यूब क्या होता है बच्चों 343 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, तो यही आपका आंसर बनेगा यूनिट डिजिट 3, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है देखो, यहाँ पर कुछ गिवन है क्यूब रूट है, इधर भी क्यूब रूट है, तो आइए इसको कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे एक ही क्यूब रूट में रख लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 40,000 / 512 डिवाइड के साइन को कर दो मल्टीप्लाई में चेंज, और इस नंबर का कर दो रेसिप्रोकल 512/5, इस तरीके से कर सकते हैं। हमने एक ही क्यूब में रख लिया क्योंकि ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, ठीक है। 512 से 512 कट गया, 5 × 5 और यहाँ पर 5 8 × 40 और 30 ये आ गए बच्चों, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर क्यूब रूट 8000 आ गया, अब क्यूब रूट 8000 आ गया। अब आपको मालूम है 8000 को हम लिख सकते हैं 8 × 1000 लिख सकते हैं, ये तो मालूम है ना। तो यहाँ पर 8 का क्यूब क्या होता है 2 और 1000 का क्या होता है 10, 10 × 2 = 20, 20 इज द आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है। तो बच्चों ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरे को जरूर सिखाएं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।